मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूजेस ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के कौन कौन से लाभ होते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे फ्रूट्स गिविंग ट्रीज की फोटोज बनी हुई है। इसका मतलब सबसे पहला चीज, पहला फायदा जो हमें पौधों से होता है वो होता है प्लांट्स गिव अस फूड, हमें खाना देते हैं। और उसमें भी क्या है, दे गिव्स अस फ्रूट, फ्रूट्स देते हैं। कौन कौन से यहाँ पे ट्रीज बने हुए हैं, मैंगो है, बनाना है, ग्रेप्स है एंड एप्पल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स। अब हम दूसरी फोटो पर आते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ फ्रूट ही नहीं देते, वो हमें ड्राई फ्रूट भी देते हैं। अब यहाँ ड्राई फ्रूट का क्या मतलब है, आप लोगों ने सर्दियों में बादाम खाते हो, काजू खाते हो, अखरोट खाते हो, किशमिश खाते हो, तो क्या आपने कभी सोचा है ये हमें कौन देता है, क्या एनिमल्स देते हैं? नहीं, दे डायरेक्टली कम फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट्स हमें फ्रूट के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं। नाउ, अब प्लांट से मिलने वाली तीसरी चीज, वी ईट स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स। आपने ये देखा होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम स्टेम हिस्सा यानी कि तने को खाते हैं। चलिए हम जानते हैं वो कौन कौन से पौधे होते हैं। सबसे पहला होता है, ये आपको दिख रहा है, ये है पोटैटो। ये देखो, ये कहाँ पैदा होता है, ये अंडरग्राउंड होता है, बट ये एक स्टेम है। जिंजर है, ये देखिए, ये जिंजर का प्लांट दिख रहा है आपको, जिंजर का हल्का सा टुकड़ा या आलू का हल्का सा आंख लेकर अगर आप उसको मिट्टी में बो देंगे तो उससे एक नया प्लांट पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा पोटैटो है, जो हमारा जिंजर है, जो हमारा लहसुन है, ये देखिए गार्लिक, ये सब क्या है, ये भी स्टेम पार्ट है जिनका हम खाते हैं। और एक और बात है जिसके बिना आपका खाना अधूरा, वो है चीनी। और चीनी हमें कौन से पौधे से मिलती है, वी गेट शुगर फ्रॉम द शुगर केन प्लांट, गन्ना। और हमारे देश में गन्ना जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनका हम स्टेम पार्ट यूज करते हैं इन सभी प्लांट्स का। नेक्स्ट फिगर में देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी ईट रूट्स ऑफ दिस प्लांट। अभी हमने चर्चा करी थी स्टेम पार्ट की, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी हम रूट्स खाते हैं। और इनकी क्या पहचान है, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? सबसे आसान तरीका है, ये जो रूट्स होती हैं बेटा, ये जैसे जैसे जमीन में नीचे की ओर जाती हैं, ये टेपरिंग एंड हो जाता है, यानी कि कोने निकल आते हैं इनके। ठीक है, चोंच निकल आती है। ठीक है, तो ये है इनकी पहचान। अब यहाँ पर कौन कौन सी रूट्स है जो हम ईडेबल रूट्स होती है, जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें हम अंडरग्राउंड रूट्स भी कहते हैं, ये होती है कैरेट, फिर उसके बाद आ गया बीट रूट यानी कि चुकंदर, फिर रेडिश है और फिर टर्निप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम इन सभी की रूट्स भी खाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, वी गेट फ्रूट फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम फल हिस्सा खाते हैं। देखो, हम पौधे खाते हैं, पौधे से मिलने वाले प्रोडक्ट खाते हैं, बट कुछ रूट्स को खाते हैं, कुछ हम स्टेम को खाते हैं। अब हम जानेंगे ऐसे पौधे जिनके हम फल खाते हैं, और फल की पहचान क्या होती है, उसके अंदर बीज होता है। तो अभी तक हमने जितनी सब्जियों को पढ़ा, आलू को पढ़ा, अदरक को पढ़ा, जिंजर को पढ़ा, गार्लिक को पढ़ा, इन सब के अंदर बीज नहीं था, ना ही कैरेट के अंदर बीज होता है, रेडिश के अंदर होता है, टर्निप। इसका मतलब ये इनमें से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि फूल से बना है। ठीक है, तो जो चीज फूल से बनेगी वो फल में बदलेगी और उस फल के अंदर बीज होगा, ये पहचान होती है। तो यानी कुछ सब्जियां जो हैं हमारी फल भी होती हैं। चलिए अब जानते हैं वो कौन सी सब्जियां होती हैं। सबसे पहला आ गया बीन्स, बीन्स को काटो अंदर से बीज निकलता है। टोमेटो को अगर आप काटेंगे तो आपको छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे। लेडी फिंगर के अंदर बीज होता है, ब्रिंजल के अंदर बीज होता है। ठीक है, और उसके बाद मटर में भी बीज होता है। क्या आपने कभी फूल गोभी या बंद गोभी में बीज देखा है? देखा है, फूल गोभी भी पौधे का कौन सा भाग है, फ्लावर पार्ट है। कौन सा भाग है, फ्लावर। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हम पौधे के, अभी तक हमने रूट्स देखे, फिर स्टेम देखे और फिर फ्रूट्स देखे। हम पौधे के कुछ और भाग भी खाते हैं, और उसमें सबसे पहला भाग आता है कौन सा, पत्तियां। अभी हमने फूल गोभी की बात करी थी, अब हम बंद गोभी की बात करते हैं, यानी कि कैबेज की बात करते हैं। कैबेज का कौन सा पार्ट खाया जाता है, कैबेज की लीव्स खाई जाती है। ठीक है, स्पिनच की, पालक की भी लीव्स खाई जाती है, पुदीने की लीव्स खाई जाती है, सरसों का साग बनता है सर्दियों में, मस्टर्ड खाई जाती है, सैलेड में जो लेट्यूस का प्लांट होता है उसकी हम लीव्स खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे, धनिया है, मेथी है, इन सब के हम कौन सा भाग खाते हैं बच्चों, इनका हम लीव पोर्शन खाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, वी ईट ग्रेन्स ऑफ दीज प्लांट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम अनाज, जो हमें अनाज देते हैं, सीरियल्स देते हैं, इनके हम ग्रेन्स खाते हैं, दाने खाते हैं बच्चों। ये भी इनकी फ्लोरोसेंस के अंदर ही डेवलप होते हैं, ये भी हम उसका सीड पोर्शन होता है। अब वो कौन कौन से पौधे होते हैं, वो होता है हमारा गेहूं यानी कि वीट, फिर उसके बाद आ गया आपका राइस, फिर मेज, मेज को कॉर्न भी कहते हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सब किस में आते हैं, सीरियल्स में आते हैं। और ये हमें ग्रेन्स कौन देता है, ये हमें वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। अब देखिए, हमें पौधों से मिलने वाली एक और चीज है, द प्लांट्स गिव अस ऑयल, यानी कि पौधे हमें क्या देते हैं,
ऑयल भी देते हैं, तेल भी देते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से पौधे होते हैं जिनसे तेल निकलता है। यहाँ आप देख रहे हैं सनफ्लावर, सनफ्लावर से निकलता है सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। उसके बाद सूरजमुखी का तेल, उसके बाद कोकोनट ऑयल, तो आप लोग सिर पे लगाते होंगे और इसका प्रयोग साबुन बनाने में भी होता है ना। तो कोकोनट से भी निकलता है ऑयल। उसके बाद मस्टर्ड यानी सरसों का तेल भी आपके घरों में इस्तेमाल होता है। मूंगफली का तेल यानी कि ग्राउंड नट ऑयल भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे, ऐसे पौधे हैं जिनसे तेल निकलता है और वो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पौधों से मिलने वाली अगले प्रोडक्ट, और दैट इज स्पाइसेस यानी कि मसाले, और दूसरा बेवरेजेस जो पेय पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम मसालों की बात करते हैं। आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करती होगी, जैसे कि टर्मरिक है, गार्लिक है ना, और उसके बाद कोरिएंडर है, धनिया है, सूखा धनिया भी इस्तेमाल होता है, क्लोव्स है यानी कि लौंग है, लौंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम बहुत सारे बेवरेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी कॉफी है। कॉफी में पौधे का कौन सा भाग इस्तेमाल होता है? बीज। इसका जो कॉफी का जो बीज होता है वो हरा होता है। जब इसको भून के भुना जाता है, इसका ब्राउन कलर आता है और उसमें सोंधी सोंधी रोस्टेड महक आती है। इसलिए जब हम कॉफी बनाते हैं तो हमारे घर में कॉफी की खुशबू आती है। ऐसे ही टी है। टी का हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? हम टी का लीफ पार्ट यूज करते हैं। और यहां मैं बता दूं, गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का रस निकालने के बाद जो बचा हुआ गन्ने का हिस्सा होता है उससे एल्कोहल भी बनती है, ठीक है। अब हम पौधों के अगले यूज पर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ थॉर्नी प्लांट्स, दे आर यूज एज ए हेजेस। आपने कभी सड़क के किनारे या पार्कों में चारों ओर की बाड़ देखी हो, कि बाड़ के रूप में पौधे लगे हुए देखे होंगे। तो ये जो हेजेस है, हेजेस के रूप में मोस्टली फाइकस का पौधा, मेहंदी का पौधा इस्तेमाल होता है। और अगर हम राजस्थान जैसे इलाके में चला जाए तो वहां पर आपको कैक्टस जैसे पौधे भी मिल जाते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर मैं बात करूँ, ये एक चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र जानते हैं कौन से प्लांट से है? ये प्लांट है हमारा रबड़ प्लांट। इसमें पेड़ के तने में छेद करके उसमें से जो दूध होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उससे रबड़ बनती है। तो यहाँ देखिए, पौधे जो होते हैं दे गिव अस वुड। वुड मतलब लकड़ी देते हैं। लकड़ी से क्या बनते हैं? आपके टॉयज बनते हैं, आपकी पेंसिल बनती है जिससे आप लिखते हैं, फर्नीचर बनता है, इवन आपकी कॉपी बनती है, बेड बनता है। और लकड़ी का इस्तेमाल कई जगह पर आग सेकने के लिए किया जाता है, फ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में खाना गर्म करने के लिए, खिड़कियाँ दरवाजे बनाने के लिए। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो वुड का इस्तेमाल है वो हम हर तरह से करते हैं। और ये हमें कौन देता है? प्लांट्स। अब हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी, स्टेम की बात करी, रूट की बात करी, फ्रूट की बात की, बट एक चीज़ रह गई थी, दालें। और दालें पौधे का कौन सा भाग होते हैं? ये भी बीज बीज से पैदा होते हैं। आपने चोलिया देखा होगा, चोले का साग देखा होगा, उसको जब हम काटते हैं तो ग्रीन कलर का चना निकलता है, उसको सुखाने से वो ब्राउन हो जाता है, जिसे हम बाद में काले छोले कहते हैं। अरहर की दाल है, ये भी पोर्शन है। ये मटर का पौधा है, ये भी उसका बीज खाया जाता है। तो जितनी भी दालें खाते हैं हम, राजमा खाते हैं, मूंग खाते हैं, मसूर खाते हैं, ये सब क्या है? पौधे के बीज पोर्शन से आती है, बीज वाले भाग से आती है। तो वी ईट सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स, वी ईट सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स। पौधे से मिलने वाली अलग चीज, दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, और ये होती है प्लांट गिव अस पेपर एंड गम। अब ये क्या मतलब हुआ, प्लांट गिव अस पेपर? जी हाँ, अगर आप अपने कॉपी के गत्ते को देखें या कॉपी को अगर माइक्रोस्कोप में देखें, गीला करके देखें, तो उसमें बहुत सारे रेशे दिखाई देंगे। इस तरह से बनावट में दिखाई देते हैं रेशे। ये रेशे पौधे के होते हैं बेटा। और सबसे पहला जो अगर मैं इजिप्ट की बात करूँ, तो वहां पर पेपायरस एक पौधा था। उस पेड़ की पत्तियों को पीस कर, फिर सुखा कर, फिर पतले पतले पन्नों में काट कर पहली बार कागज बनाया था इजिप्ट में। और अगर मैं भारत में पुरातन संस्कृति की बात करूँ, तो भारत में जो रामायण थी, महाभारत थी, उस समय तो कागज नहीं होते थे, तो ये किस पर लिखे थे? उस समय हम एक पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करते, उसका नाम था भोजपत्र। जी हाँ, भोजपत्र पर हम मोर की या फिर हंस की कलम से लिखते थे। तो ये उस समय की बात है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो बैम्बू प्लांट होता है, जो बैम्बू का पौधा होता है यानी बांस का पौधा, उसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं पेपर को बनाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे फाड़ना नहीं चाहिए। कई बच्चों को आदत होती है अपनी कॉपी का कागज फाड़ने की। बेटा, उससे कॉपी का, जब आप कागज को वेस्ट करते हैं, जब आप कॉपी के कागज को इस्तेमाल करते हैं तो सही बात होती है, बट जब उसको वेस्ट करके फेंक देते हैं तो इस तरह से एक पेड़ का भी नुकसान होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमें कौन देता है? बैम्बू या पपायरस प्लांट। अब हम आते हैं अगले पर, पेड़ों से हमें गम मिलती है। और गम में सबसे बड़ा देने वाला पेड़ है वो है अकेशिया। गोंद आप इस्तेमाल करते हैं चिपकाने के लिए, क्या कभी आपने सोचा है ये गोंद कौन देता है? ये गोंद हमें अकेशिया बबूल जैसी प्रजाति के पेड़ों से मिलती है। पौधों से मिलने वाली अलग दूसरी जो चीज है वो है, नेक्स्ट चीज वो है मेडिसिन, यानी कि पौधे। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका हम प्रयोग दवाइयों के रूप में करते हैं। आपने यूकेलिप्टस ट्री के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने विक्स वेपोरब की शीशी तो जरूर देखी होगी, और उसमें डलने वाली जो महक होती है वो यूकेलिप्टस ऑयल से आती है, जो उसकी पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है। जुकाम में बहुत होता है, बंद नाक में बहुत अच्छा इसका फायदा होता है। तुलसी का भी आपने सुना होगा, पॉपी प्लांट होता है, इससे नशी दवाई बनती है जो रोगी को खिलाई जाती है जब उसका ऑपरेशन होता है, तो नशे की दवाइयां बनाई जाती है। इससे नीम का इस्तेमाल होता है, इससे मारगोसा तेल निकाला जाता है जिसका इस्तेमाल त्वचा संबंधी जो रोगों को दूर करने के लिए, जो साबुन बनाए जाते हैं, क्रीम बनाई जाती है, लोशन बनाई जाती है, उसमें इस्तेमाल होता है। तो पौधे जो है ये एक मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। इसमें एलोवेरा भी आ सकता है,
अश्वगंधा भी आ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मेडिसिन की तरह यूज किए जाते हैं। पौधों का अगला इस्तेमाल जो है वो है गिदे गिव अस फॉडर। और फॉडर क्या होता है, आपने देखा होगा जो बच्चे गांव में रहते हैं या कभी कभी गांव जाते हैं कि पे जो खाना होता है सिर्फ इंसानों को नहीं चाहिए, जानवरों को भी चाहिए। और जानवर को जो खाना मिलता है जो दुधारू पशु में, हम चारा कहते हैं, और इंग्लिश में चारे को कहा जाता है फॉडर। ठीक है, तो इसलिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक चारा देने के लिए भी घास उगाई जाती है, स्पेशल उसे चारा घास कहते हैं, अल्फाल्फा कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है जो दुधारू पशु को देने के लिए। और उसके अलावा पौधे के जो जो ऐसे भाग जो उसके गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो सड़कर एक बहुत अच्छी खाद बनाते हैं जो कि पौधों के लिए भी बहुत अच्छी होती है और किसी तरह से पौधे को नुकसान भी नहीं करती है और इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी सही रहती है। उसका नाम होता है मैन्योर खाद। और इसके लिए आपने अक्सर देखा होगा गोबर से खाद बनती है ना, और गोबर से खाद भी बनती है और उससे बायोफ्यूल यानी कि चूल्हे भी जलते हैं। और इस प्रकार से पौधे जो होते हैं ये दोनों काम भी करते हैं, और सबसे बढ़िया काम क्या करते हैं, ये हमें ताज़ी हवा यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें पौधों को जरूर अपनाना चाहिए, वो हमारे सच्चे दोस्त हैं। दे मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। ठीक है, क्यों कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ रे, वातावरण को शुद्ध बनाओ पेड़ लगाओ रे। ठीक है, तो क्यों हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमें पेड़ों से शुद्ध हवा भी मिलती है। अब हम अगले पेज पे आते हैं, प्लांट गेव अस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आपने देखा होगा जब स्प्रिंग सीजन आता है तो चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। ये हमारा लोटस है, ये रोज है, सनफ्लावर है, डेजी है, नरगिस का पौधा है। ठीक है, एस्टर प्लांट होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल भी देते हैं। तो ये हमें कौन देता है, पौधे। अभी हम और भी बात करेंगे, पौधे हमें सिर्फ फूल ही नहीं देते, पौधों से हमें मिलता है फाइबर। फाइबर यानी कि रेशा। आपने कौन सी कमीज पहनी हुई है, अपनी कॉटन की पहनी हुई, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कॉटन जो होता है वो पहना जाता है। क्यों, क्योंकि वो पसीने को सोखता है। और कॉटन जो होती है पौधे के कौन से पार्ट से मिलती है, वो हमें फ्लावर से मिलती है। कॉटन का जो फूल जो होता है जब पक जाता है तो वो उसमें रुई पैदा हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेमल के लाल फूलों में रुई पैदा हो जाएगी अभी अप्रैल के मौसम में। और उसको हम फिर उसको लूम पे डाला जाता है, रेशे बनते हैं, रेशे से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बुना जाता है, यानी कि पौधों से हमें फाइबर भी प्राप्त होता है। क्या सिर्फ कॉटन के पौधे से हमें मिलता है, नहीं, कॉटन के अलावा जूट का भी पौधे का इस्तेमाल होता है। जूट में स्टेम पार्ट जो होता है वो उसका यूज किया जाता है, उसको पानी में भिगो देते हैं। और हमारे भारत में जो जूट होता है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है। और कॉटन की बात करूं तो कॉटन जो है वो गुजरात में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। ठीक है, और जूट की जब मैं बात कर रही थी तो जूट से बनने वाली है, आपने रस्सियां देखी होंगी, पायदान देखे होंगे, जूट के बैग देखे होंगे और बहुत सारी सी चीजें, बोरी देखी होगी। जब आपके पापा राशन की दुकान पे जाते हैं तो चावल की बोरी लाते हैं, गेहूं की बोरी लाते हैं, कभी आपने उसको छू के देखा वो कितना रफ होता है बट कितना मजबूत होता है, ये सब जूट से बनता है। ठीक है, इसके अलावा पौधे का एक और भाग है और उस भाग का नाम है फ्लैक्स, और एक्स FLAX, फ्लैक्स। फ्लैक्स एक पौधा है, इसे लीलन नाम का कपड़ा बनता है। ये भी जो पौधे का तना इस्तेमाल किया जाता है, उसको पीसा जाता है और फिर उसको सुखा के फिर उससे धागा बनाकर हम लीलन के कपड़े, ये भी कॉटन की तरह ही होते हैं। आपने अक्सर उसकी नर्स की ड्रेस देखी होगी, उसके सिर पर व्हाइट कलर की टोपी देखी होगी, उसका कोट देखा होगा, डॉक्टर का कोट देखा होगा। तो ये सब इन सब चीज़ों का प्रयोग हम फ्लैक्स प्लांट से करते हैं। और ये सबसे पहले नील नदी की जो सभ्यता थी, इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर सबसे पहले फ्लैक्स की खेती की गई थी। जैसा कि मैंने पहले चर्चा करी थी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे रबड़ मिलता है, जिसका मैंने अभी ट्री आपको दिखाया भी था, तो रबड़ देने वाले पौधे को कहते हैं हम रबड़ ट्री। और ये वही रबड़ है, गोंद है, जिसको सुखा कर, जिसको हम पिघला कर हम टायर बनाते हैं, या आपके स्कूटर में लगते हैं, साइकिल में लगते हैं, कार में लगते हैं, बस में लगते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका मिटाने का रबड़ भी इससे बनता है। और इसके अलावा भी पौधे जो होते हैं एक बहुत ही सुंदर चीज़ देते हैं, और वो देते हैं आपकी परफ्यूम, सेंट। आप नहाने के साबुन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें खुशबू आती है, तो खुशबू कहाँ से आती है, खुशबू भी तो कहीं से उत्पन्न की जाती होगी। हमारे देश में एक जगह है उत्तर प्रदेश में कन्नौज, जहाँ पर इत्र बनाया जाता है, और इस इत्र से जो पौधे का फूल का अर्क होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं बहुत सारे साबुन बनाने में, क्रीम बनाने में, लोशन बनाने में। और इत्र तो वैसे भी इस्तेमाल होता है, उसकी खुशबू इतनी महक होती है। तो कौन कौन से फूल हैं जिनका हम इत्र बनाते हैं, देखिए यहाँ पर मोतिया है, चंपा है, चमेली है, और यहाँ देखो गुलाब का भी इत्र, उसकी भी खूब अच्छी महक होती है। जितने भी वाइट फूल रात को खिलते हैं ना, उनकी बड़ी अच्छी, मधुमालती का इत्र बहुत अच्छा होता है, चंपा का, तो इन सब चीज़ों से इत्र बनता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला भाग खत्म होता है कि हमें पौधों से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है।